हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज हम अटेंडेंस शीट में वी लुकअप लगाना सीखेंगे। ऑलराइट, बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि यहां पे ये आपके पास नाम है जिनका आप डेटा निकालना चाहते हैं, और डेटा है यहां पे देखिए इतना सारा, ये करण, सुपरमैन, ही मैन, हल्क, और इनके हर दिन की प्रेजेंस है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इनका टोटल प्रेजेंट कितना हुआ, टोटल एब्सेंट कितना हुआ, टोटल वर्किंग डेज कितने हुए, सारा डेटा हम निकाल सकते हैं। बाय द वे, ये जो अटेंडेंस शीट आप बनी हुई देख रहे हैं, ये मैंने एक और वीडियो में सिखाई है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत काम आएगा। तो मान लीजिए यहाँ से मैं प्रेजेंट डेज निकालना चाहता हूँ कि भाई करण के प्रेजेंट डेज कितने थे, ये 5 दिन प्रेजेंट था। तो वो डेटा अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे निकालना है वी लुकअप से, तो कैसे निकालूंगा? सुपरमैन, ही मैन, हल्क, थॉर, इन सब का हम लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप क्या है, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती है कि जिस चीज के बेस पे आप लुकअप कर रहे हैं वो दोनों जगह होनी चाहिए। यानी कि मैं करण, ये सुपरमैन, ही मैन, इन नाम के बेस पे वी लुकअप लगा रहा हूँ, तो दोनों जगह नाम होना चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो मैंने ये करण को सेलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे A5 को सेलेक्ट कर दिया, इस सेल को कॉमा दबाया। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, यानी कि इसके बेस पे ढूंढू और कहां पे ढूंढू, ये टेबल अरे यानी कहां पे ढूंढू, कहां पे ढूंढू यानी यहां पे ढूंढो भाई। अब यहां पे इंश्योर कीजिए कि उस सेल से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए जिसमें वो नाम लिखे हुए हैं, उस कॉलम से सेलेक्ट करना शुरू कीजिए। और हमें कहां तक सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट तक, है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट निकालना चाहते हैं अभी। तो यहां पे मैं ऐसे सेलेक्ट करता जा रहा हूं, ये देखिए कितना आ रहा है यहां पे, 6R12C, यानी कि 6 रो और 12 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 रो, है ना। रो से हमें कुछ लेना देना नहीं है, दिखाना चाह रहा था 12 कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि नाम से 12वें सेल पे है हमारा आंसर। ये हमें काम आएगा आगे, देखिए मैंने कॉमा दबाया और यहां पे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया ना। कॉलम इंडेक्स का नंबर का मतलब कि आपका आंसर कौन से कॉलम में है, हमारा आंसर है 12वें कॉलम में। अब ये वी लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, ये यहाँ पे देखेगा कि करण कहाँ पे मिल रहा है, फिर 12वें कॉलम में जाके जो आंसर लिखा होगा वो उठा के ले आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12, 0, 0 का मतलब कि आप एग्जैक्टली सेम जो लिखा है वही लेके आना, मिलता जुलता कुछ नहीं चाहिए हमको। एंटर दबाया और ये NA आ गया। अब NA क्यों आया ये देखते, यहाँ पे लिखा है करण जौहर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, करण। इसके लिए सेम होना चाहिए डेटा, ये जानबूझ के मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ था। ये देखिए ऐसी करण कराइए, हमारा आंसर 5 आ गया, है ना, आसान। वैसे ही हम सुपरमैन का निकालते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। अब इसके बेस पे लुकअप कर रहे हैं, नाम के बेस पे, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दबाइए। टेबल अरे कहाँ है, इस वाली शीट में, किसी भी शीट में हो सकता है ये। तो इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कहां तक कलेक्ट कर लिया, जहां तक मेरे को प्रेजेंट चाहिए। तो ये कौन से कॉलम में है, 12 कॉलम में, कॉमा 12 लिखा, कॉमा 0 लिखा, एंटर दबाया, ये देखिए देख रहे हैं आप, इतना आसान। ऐसे ही मैं इनका भी निकाल सकता हूं। अब आइए हम यहां पे इनकी लीव निकालते हैं, ओके, इज इक्वल टू वी ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, ये नाम, कॉमा, टेबल अरे कहां है हमारा, ये रहा, कहां तक सेलेक्ट करेंगे, लीव तक। ये देखिए यहाँ पे कितने कॉलम दिख रहा है, 14C, यानी कि 14 कॉलम है, कॉमा 14 टाइप कीजिए, कॉमा 0, ब्रैकेट करिए क्लोज, और ये आपकी लीव डेज भी आ गई, है ना, आसान। ये जो शीट है ना, ये आप लिख सकते हैं मेरे वेबसाइट myelesson.org पे, वहां पे एक प्रैक्टिस फाइल्स का एक सेक्शन है डाउनलोड्स का, वहां पे जाके शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी शीट्स है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो अगले वीडियो तक के लिए, दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।